here we are today for a heinous crime that is committed in Kolkata, and rape and murder has been committed by our colleague, and we are also wearing the black badges, including our doctors, nurses and other staff, and other tales will be given by our patrons. हम लोग जो आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, मैं सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक डॉक्टर की ही हत्या नहीं हुई है, सबसे पहले वो एक देश की लड़की है, हमारी भारत माता की सुपुत्री है। उनके साथ जिस बेरहमी से कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के साथ जो एक हीनियस क्राइम हुआ है, वो सिर्फ एक हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हुआ है, और इस देश की हर एक बेटी, हर एक बहू, हर एक बहन के अगेंस्ट हुआ है। हम लोग आज यहाँ पूरे हिंदुस्तान में काले काले बिल्ले लगा के, एक जो ब्लैक कलर है ये एक ब्लैक डे को रिकॉग्नाइज करता है, और मेरी आपके माध्यम से सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ ये जो क्राइम है ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, हम सब लोगों को इसके अगेंस्ट उठना चाहिए, और एक सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाइए, बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ा भी दिया है, बेटी को डॉक्टर भी बना दिया है, उस बेटी को हम बचा नहीं पा रहे हैं, वो भी जब एक किसी मरीजों की सेवा के लिए रात को ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ ये हुआ, हम सब में बहुत बड़ी आक्रोश है। हमारी कम्युनिटी ने तो कल इंडिपेंडेंस डे को भी यही बोला गया है कि आज तो जब एक सफ़ेद झोला जो हम लोग पहनते हैं, सफ़ेद एप्रन जो हम लोग पहनते हैं, उसको लाल कर दिया गया है, और बहुत ही घिनौना अपराध है, इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना, जो इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, और डॉक्टर्स के लिए 24/7 जो इमरजेंसी में ड्यूटीज दे रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी का होना एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। मुझे ये बोलते हुए दुख भी हो रहा है कि हमारे साथ चंबा मेडिकल कॉलेज में भी पिछले 2-3 महीनों में हमारे डॉक्टर्स के साथ, मेरे कोलीग्स के साथ भी बदतमीजी हुई है, अब्यूजिव लैंग्वेज हुई है। एक हमारे प्रशिक्षु जो हमारे इंटर्न डॉक्टर हैं उनके साथ हुआ, हमने उसके FIR भी चली है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, और ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है, और हम सबको जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको ये चीज़ सामने लानी चाहिए, अपने अपने भाषणों में लाना चाहिए कि अगर डॉक्टर को ही डॉक्टर ही सेफ नहीं महसूस करेंगे अपने आप को काम करने की प्रेज में, तो ये ले दे के बात हमारे मरीजों के ऊपर ही आने वाली है। यहाँ पे भी हमने लोगों ने पहले भी जब हमारे साथ ये हुआ था, अटैक एंड अब्यूज़ हुआ था, हम लोगों ने तभी बोला था पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर पुलिस चौकी हमेशा रहती है, और यहाँ पे चंबा में हमने देखा है इमरजेंसी में कितना रश होता है, वार्ड में कितना रश होता है, लेबर रूम में कितना रश होता है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में एक पुलिस चौकी जो है वो रहे यहाँ पे, ताकि कोई अप्रिय घटना ना महसूस हो। इन घटनाओं को देखकर हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, जो सिक्योरिटी, जो हमारे स्टाफ नर्सिस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, मेरे पास काफ़ी लोगों ने बात की है, वो असहज और इनसिक्योर फील कर रहे हैं ऐसी बातों को देखकर। तो इसके लिए मेरी विनती है कि एक पुलिस चौकी का यहाँ पे हो, अगर इमीडिएटली पुलिस चौकी नहीं हो सकती तो पुलिस पर्सनल इमरजेंसी में, लेबर रूम में, हमारी जो मेडिसिन वार्ड्स हैं और जो ऐसी वार्ड्स हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे पुलिस पर्सनल 24/7 ज़रूर जो है वो हमेशा रहे। तो और इसके लिए आज सब लोग, हम सिर्फ डॉक्टर्स ने ब्लैक बैजेस नहीं पहने हुए हैं, आप जहाँ पे हॉस्पिटल में देखोगे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हैं, हमारी जो Class 2 और Class 3 NGO एसोसिएशन है, आज सब दुखी हैं, सब काला दिवस मना रहे हैं, और गंभीर बात यह है कि जो उस दिन हत्याकांड हुआ उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, हम सारे लोग फिर मिनिस्टर से मिले, सेंटर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बारे में इंक्वायरी होगी, उन्होंने वो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली। पर कल आज़ादी के दिवस पर रात को जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग मॉब बन के उसी हॉस्पिटल में गए जहाँ पे ये घटना घटी थी, किस लिए गए, क्यों गए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में जांच होनी चाहिए, और उसी वही जगह पे फिर डॉक्टर्स को अपनी जान बचानी पड़ी भाग के। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो है उत्पन्न हुई हुई है, और हम इस बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बोली, हम चाहते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, और डॉक्टर तभी अच्छा से काम कर पाएंगे अगर वो सिक्योर महसूस होंगे। स्टेट बॉडी की नेशनल लेवल पे कॉल होती है,
स्टेडियम में क्या कॉल आएगी, तो हम उस तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन है और जो हमारी डिमांड है कि जो अक्यूज्ड हैं उनको जल्दी जल्दी, बाकी जो जो चला है कि बाकी लोग भी थे इन्वॉल्व थे उनके सबकी अगेंस्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि इसको नेशनल लेवल पे देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें काम करे और हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से कोई फैसला होगा। सर, इसमें मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ही नहीं बल्कि ये कल किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है। बेटी कहीं भी हो सकती है, ऑन ड्यूटी है, तो ड्यूटी सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं करते हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में भी ड्यूटी होती है। और बाकी रही बात इनसिक्योरिटी की, अगर हॉस्पिटल के अंदर ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही अगर सिक्योर नहीं है कोई, तो बाकी कैसे वो महसूस करेंगे कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपसे सब मीडिया की तरफ से, मीडिया के माध्यम से मैं पूरी पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें पूरा सहयोग दें, ताकि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको सख्त से सख्त, उन सबको पहले तो उनका पता चल पाए और साथ में उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिल पाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से कि बाकी जो भी ऐसा है कि लड़की बेटियां उनकी भी हैं, ठीक है, वो भी कल को हो सकता है डॉक्टर बने, हो सकता किसी और डिपार्टमेंट में जाए, जॉब पे जाएंगी, वो तो सिक्योर तभी फील करेंगे जबकि उनको वैसा माहौल मिलेगा। तो माहौल अच्छा बनाने के लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जब ऐसा हुआ है कुछ, तो उसमें जो है दोषी जो हैं, इतना हीनस क्राइम होने के बाद उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये लगता है कि मतलब सेफ तो कोई भी नहीं है, तो सेफ्टी शुड स्टार्ट एट होम। अगर हम अपने बच्चों को घर से ही सिखा दें कि औरतों को हमने वैसे इज्जत देनी है जैसे बाकी सबको देते हैं, तो किसी को बुरी नज़र से देखे ही नहीं, तो ये क्राइम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। हम करते हैं क्यों ऐसा, तो अगर घर से ही एजुकेशन शुरू हो जाती है तो सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए लड़कियों को पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सेफ़ महसूस करेंगे। राइट नाउ कोई भी नहीं कर रहा आई थिंक, ना कोई स्टाफ, ना कोई डॉक्टर्स, इवन हमारे स्टूडेंट्स सेफ नहीं फील कर रहे हैं, हमारे खुद के बच्चे। आई एम इवन स्केयर फॉर माई ओन डॉटर, वो जाती है पढ़ने तो मुझे भी डर लगता है कि कोई ऐसे करेगा, कोई वैसे करेगा, बेटा तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बट आई एम लिमिटिंग हर अपॉर्चुनिटीज़ बाई डूइंग दिस। तो वो क्यों ना कर पाए वो जो ज़िंदगी में करना चाहती है, वो क्यों डरे, वो क्यों नहीं बाहर जा सकती, किस लिए? बिकॉज बाकी लोगों की नज़र गंदी है या सोच गंदी है या विचार गंदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विचारधारा बदल देनी चाहिए, सोच बदल जाएगी तो शायद देश भी बदल जाएगा। हीनियस क्राइम कलकत्ता में हुआ तो कितनी दुख भरी बात है, जैसा सर ने कहा कि ये सिर्फ अब एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं रहा है, ये सभी फीमेल्स के सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन गया है। और जैसे हम सभी के परिवार में कोई ना कोई फीमेल सदस्य है और आजकल के टाइम में जॉब भी सब करते हैं, तो ये इसको देखते हुए हमें ये बहुत गंभीर मसला है कि देखो, एक तो ऐसा हीनियस क्राइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि जैसा उसमें डॉक्टर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद आप देखते हैं कि 15 अगस्त जब सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस रात को वहाँ जहाँ इतना ये ख़राब वारदात हुई और मीडिया की नज़रें देश भर की, दुनिया भर की वहाँ पे हैं और डॉक्टर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के वहाँ पे नज़र होने के बावजूद आप देखिए कि जो कुछ ऐसे तत्व हैं उनका कानून पे कितना, उनको कोई खौफ नहीं है कोई सिस्टम में, कि उन्होंने फिर भी वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आके पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, डॉक्टरों को वहाँ पे, और ना सिर्फ डॉक्टरों को वहाँ पे, जो रात को इमरजेंसी में मरीज आए थे उनके साथ मारपीट की, वो सामान तोड़ा हॉस्पिटल का और उनको फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो ये बताता है कि सिस्टम में कितना मतलब डर जो है नहीं है लोगों को, ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं। तो मेरी यही मांग है कि जैसा मैम ने भी कहा कि एक तो समाज में हम सबको, लोगों को अपनी सोच वैसी करनी चाहिए कि एक औरत, एक महिला, एक लड़की आज के टाइम में लड़कों के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, तो हम क्यों ना वैसी क्वालिटी उनको भी दें, वो अपॉर्चुनिटीज़, कि वो बिना डर के किसी भी वक्त जॉब पे अपना काम करें। और एज अ डॉक्टर्स हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे चंबा में भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जो कई बार हम रात को यहाँ पे ड्यूटी करने आते हैं तो कई तरह के तत्व जो हैं, कई बार शराब के नशे में या कैसे इमरजेंसी में भीड़ होती है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है मरीजों की सेवा कर पाना। तो थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे हों, ऐसे सेंट्रल जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है कई सालों से, उसको इस बार सरकार लागू करे ताकि ऐसी इंसिडेंट जो कलकत्ता में हुआ है, आइंदा कहीं पर भी देश में किसी भी डॉक्टर, किसी भी बेटी को ऐसा जो है हीनियस क्राइम का शिकार ना होना पड़े। और लोगों में भी एक ऐसा मैसेज आए कि हम सब के घरों में, परिवारों में बहू बेटियां हैं, हम ऐसा एक सेफ एनवायरनमेंट घर में भी और वर्क प्लेस में भी उनको प्रोवाइड करें। इंडिया का फ्यूचर डॉक्टर होने के नाते हम यही कहना चाहेंगे कि एक बेटी अपने माँ बाप के लिए से ज़्यादा क्या कर सकती है, कि उसने पूरा जीवन अपना पढ़ाई को दे दिया, तत्पश्चात
उसने ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम निकाल कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, और उसको बदले में क्या मिला? उसकी मृत्यु। एक ऐसा दर्दनाक स्थिति जो आज भारत में पैदा हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पूरे भारत, पूरा वर्ल्ड, जो दुनिया है वो अनसेफ महसूस कर रही थी कोविड के टाइम, तो सबसे फ्रंट पे कौन चल रहा था? हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स। और आज जब अनसेफ फील कर रहे हैं वही डॉक्टर्स, तो सारी कम्युनिटी बैक करके अपने पैर पीछे कर रही हैं और हम फिर से अकेले खड़े हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है आप सभी के लिए, समाज के लिए, कि आप अपने सेवियर्स को सेव करने के लिए आगे आएँ और आप भी हमारा उतना ही साथ दें जितना हमने हर स्थिति में आपका साथ दिया है। PHMO चंबा की तरफ से मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक VC का आयोजन किया गया था जिसमें स्टेट के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें जो डिसीजन लिया गया वो दो तीन प्रमुख स्थान से जो हमने बातें रखी हैं, जो कलकत्ता में जो एट्रोसिटी हुई है, जो डेथ हुई है, उसके लिए जल्द से जल्द जो है उसमें न्याय मिल पाए, इसके लिए बात करी गई है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं वो कल अपनी OPD जो है उसको बंद करने वाले हैं ऑल ओवर हिमाचल, और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ साथ दूसरा जो इसमें मुद्दा है, आप देखेंगे सभी हमारे सहयोगियों ने बात करी कि चंबा मेडिकल कॉलेज में किस तरह से अलग अलग इंसिडेंट होते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा पेरीपरी की, कि चूड़ी में, भरमौर में, तिस्सा में, किहार में, पांगी में, ऐसी कई ऐसी जगह जहाँ पे सिंगल डॉक्टर जो है इमरजेंसी सर्विसेज दे रहा है, कई बार उनके साथ क्लास 4 भी की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और सिंगल स्टाफ नर्स उसके साथ काम कर रही है। पेरीफ्री में हम ये देख रहे हैं कि रोज़मर्रा एक आधा दिन छोड़ करके कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे डॉक्टर या हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ होती आ रही है। आप मीडिया बंदों के सहयोग से, क्योंकि आप ही हमारी बातें उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि इस बारे में ऊपर तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो एक मेडिपर्सन एक्ट यहाँ पे लागू करने की बात की गई थी, जिसके एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था, पर जो आज तक जो वो नोटिफाई नहीं हो पाया, तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो भी कल्प्रिट हमको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों में जो गिरावट आए, और हमें जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो हमारा स्टाफ है, वो प्रोटेक्टेड फील करें। जितना सेफ एनवायरनमेंट हमारे अधिकारी को मिलेगा, उतनी अच्छी तरह से हम चंबा के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।